Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing super duper amazing guys. Myself Akhilesh Daga और बच्चा पार्टी आज मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने वाला हूँ जो कि होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. यस यू हर्ड दैट राइट. लेकिन बच्चा पार्टी इसको समराइज कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. व्हाट आई फील इज कि कोई भी कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली हम लोगों ने बुक में देखने से पहले आई फील दैट कि हम लोगों को यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, सो मैं आप लोगों को बच्चा पार्टी यहां पर बताने वाला हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड नाउ. और यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि तुम्हें यहां पर दिखाई दिया है बेटा, आप लोग देख सकते हो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यहां पर तुम्हारे सामने कुछ दो मैंने इमेजेस लिए हैं. ठीक है, कुछ दो इमेजेस लिए हैं. एक है ये वाला इमेज, देखो यार इनके हाथ में सिर्फ पैसा ही पैसा है. यहां पर देखना इनके हाथ में भी पैसा है, इनके हाथ में भी पैसा है. नाउ द पर्पस बिहाइंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल. अब मैं आपको बताता हूं, ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो इंसान, ठीक है, ये जो इंसान मिस्टर ए, ठीक है, तो मिस्टर ए ये पैसा लेकर जा रहे थे और यहां पर दो लोगों ने उसको पकड़ लिया. यस यू हर्ड दैट राइट. जो ये पैसा लेकर जा रहे थे, इन दो लोगों ने इसको पकड़ लिया. और यहां पर देखो यार इसके चेहरे पर, ये देखो, ही इज नॉट हैप्पी. ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी यू कैन सी दैट ही इज सो हैप्पी ओवर हियर. तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पर एक तैयार होता है. दैट इज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. क्या? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट. हम लोग यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज टू अर्न प्रॉफिट्स. सर बट ये वाली इमेज क्या बोल रही है? ये वाली इमेज बेटा सोशलिज्म के बारे में बात कर रही है. तो सोशलिज्म के बारे में ये सर इसका मतलब है कि ये इसको मार रहा है तो क्या प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट लाइक दैट. ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे मतलब नो, प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे बट हमारा मेन मुद्दा प्रॉफिट कमाना नहीं होने वाला है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये बात कर रहे हैं एक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में. मतलब हम लोग यहां पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ करने वाले हैं एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट्स. बट प्रॉफिट इट्स नॉट गोइंग टू बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, सो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैपिटलिज्म में क्या होता है? मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन कैपिटलिज्म इज टू अर्न प्रॉफिट. बट ऑन कॉन्ट्ररी इन सोशलिज्म माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट्स बट द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होने वाला है. तो एक बेसिक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है कि कैपिटलिज्म इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? कैपिटलिज्म इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स. सोशलिज्म इज टॉकिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. क्यों ऐसा बात करते हैं? दे थिंक दैट कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे सो उनका ऐसे मानना है कि यार सोसाइटी जो है वो दो टुकड़ों में बट जाएगी. और अगर सोसाइटी दो टुकड़ों में बट जाता है तो रिच पीपल रिच होते जाएंगे एंड पुअर पीपल पुअर होते जाएंगे एंड देन इन लॉन्ग टर्म इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड बिकॉज यहां पर सोसाइटी के दो टुकड़े बन चुके हैं. रिच पीपल आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर पीपल आर गेटिंग मोर पुअर. और यहां पर आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में झगड़े हो जाए क्योंकि ये तो हमेशा चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो. फिर ये लोग अपने वर्कर्स को सैलरी कम देंगे. अगर सैलरी कम देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा. तो यार पुअर पीपल तो पुअर है, रिच पीपल रिच होते जा रहे हैं. सो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में स्ट्रांगली दे बिलीव इन द सोशल वेलफेयर एज वेल.
ठीक है, दे बिलीव इन सोशल वेलफेयर एज वेल। देखो यार, मैं ऐसे समझता हूँ कि कोई भी चीज़ को डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले उसका एक पूरा माहौल क्रिएट करना चाहिए, उसको पूरा समझना चाहिए लॉजिकली, एंड देन ओनली वी शुड गो फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, कुछ मेरिट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पर मेरिट्स देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट? प्रॉफिट। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट, उनको यार बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है, दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट मोटिव, ये है उनका प्रॉफिट मोटिव। यहां पर यू कैन डिसाइड योर ओन बिजनेस, यू हैव दैट फ्रीडम टू ट्रेड, यू कैन डू वॉट एवर यू फील, यू कैन डू इट। यहां पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड होता है, यहां पर वो लिबर्टी होती है, यहां पर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट जहां पर दिख रहा है यू कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल। सो गाइज, ओनरशिप यहां पर तुम्हारी खुद की है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं यार, ओनरशिप के इसमें मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहां पर लिख कर देना चाहता हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओनरशिप यहां पर क्या होगी? ओनरशिप यहां पर प्राइवेट ओनरशिप रहने वाली है। कौन सी? प्राइवेट ओनरशिप यहां पर रहने वाली है। सो ओनरशिप तो प्राइवेट हो गई, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज व्हाट? द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज बेटा प्रॉफिट मोटिव, राइट? ठीक है, अब देखना यहां पर कंज्यूमर सोवेरनिटी। Now what do you mean by consumer sovereignty? थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, how does it goes? Consumer sovereignty मतलब consumer satisfaction. Now suppose अगर हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं तो हम लोग यहां पर definitely competition intense होगा। So capitalist economic system में competition is going to be very very high, and whenever the competition is high, मैं ऐसे समझता हूं कि ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो अगर कंपटीशन है तो यहां पर क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी के साथ साथ यहां पर प्राइजेस भी रीजनेबल रहेंगे, तो ये कस्टमर के फेवर में होता है। जी हां, अगर यहां पर कंपटीशन नहीं है, सपोज इफ आई एम द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग सम पर्टिकुलर गुड्स, अगर मोटा भाई अकेले ही टेलीकॉम सेक्टर में रह जाते हैं और बाकी सब लोग टेलीकॉम से बाहर निकल जाते हैं, तो मोटा भाई चाहे तो कुछ भी प्राइजेस लेकर आ सकते हैं। यस, तो कॉम्पिटिशन इज गुड, वेरी गुड। मोनोपोली इज गुड, नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर रीजनेबल प्राइजेस रहेंगी, और रीजनेबल प्राइजेस अगर रहती है तो डेफिनेटली यार कंज्यूमर सोवरेनिटी यहां पर होगी। जी हां, सो कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नथिंग बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नथिंग बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यस, वी वॉन्ट कॉम्पिटिशन, वी वॉन्ट रीजनेबल प्राइजेस, यस वी वॉन्ट रीजनेबल प्राइजेस, और इसीलिए यहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी यहां पर ज्यादा रहेगा, बिल्कुल ज्यादा रहेगा। मुझे ये बात बताना कि मेरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि मैं जितना ज्यादा इफेक्टिव रहने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा मैं इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे बताना मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहां पर बहुत ध्यान रखने वाला हूं कि मैं मेरे रिसोर्सेस को एकदम ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करूं, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा तो कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मुझे यहां पर यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या? कि मैं मेरे रिसोर्सेस को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करने वाला हूं, ठीक है। मैं मेरे रिसोर्सेस को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करूंगा, देयरफॉर व्हेनेवर अ पॉइंट कम्स इन एग्जाम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ध्यान रखना ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, यहां पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर वो बोल रहे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव इज द ऑब्जेक्टिव, तो एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में कि प्रॉफिट मोटिव इज द कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग बता देना कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अगर वहां पर आपको बोला गया है कि कलेक्टिव ओनरशिप नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप पे, तो आप लोग समझ लेना कि वो कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर आपको बोला जाता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज वेरी वेरी हाई, सो आप लोग समझ लेना कि वो कौन से टाइप का है, वो है यहां पर बच्चा पार्टी ध्यान देना, वो क्या है?
वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. व्हेन द कंपटीशन इज हाई, व्हेन द ऑपरेटिव एफिशिएंसी इज वेरी वेरी हाई, तो वो भी बेटा क्या होगा, वो भी यहां पर होने वाला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. मुझे बताना अगर ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिव एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. सो मुझे आप लोग बता सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर कैसे होगी. ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी. ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाली है. सो गाइस दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. आगे बढ़ते हैं, और भी यहां पर कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर हम लोगों ने एक सिस्टम को लेकर आ गए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही रहने वाले. एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. देयर आर ऑल्सो सम ऑफ द डीमेरिट्स. आप देख पा रहे हो यहां पर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सोसाइटी दो हिस्सों में बट जाएगी. अगर सोसाइटी दो हिस्सों में बटती है तो क्या वो अच्छा होता है? नो. देखना यहां पर ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी. अब इन दोनों के बीच में यहां पर झगड़े हो गए, इन दोनों के बीच में यहां पर झगड़े हो गए, मतलब रायट्स हो सकते हैं. यस, रायट्स हो सकते हैं. तो रायट्स अच्छा है? नो. रायट्स मतलब दंगे वगैरह हो सकते हैं. दो सोसाइटी बट गई है, अब वो एक दूसरे को मारने के लिए आ गए हैं, तो ऐसा हो सकता है. ये देखना यहां पर मैंने एक और चीज कही थी. ये देखो इनके पास कितना पैसा है. तो रिच पीपल रिच होते जा रहे हैं, और यहां पर देखना ये पुअर पीपल और पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि देखना बेटा यहां पर रिच पीपल पैसा कम दे रहा है और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है. रिच पीपल आर गोइंग गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर गेटिंग मोर 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 पुअर. देखना बेटा यहां पर तो सोशल जस्टिस यहां पर होगी. बिल्कुल सोशल जस्टिस, सोशल इनजस्टिस होगा यहां पर, बहुत ज्यादा सोशल इनजस्टिस होगा. यस, तो एमसीक्यू इस पर आ सकता है कि सोशल इनजस्टिस कहां पर ज्यादा होता है. तो सोशल इनजस्टिस बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होता है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कहां पर होती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होती है. इग्नोर्स द ह्यूमन वेलफेयर. हम लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए है. हम तो बस एक ही चीज यहां पर देख रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. हमें कुछ भी लेना देना नहीं है लोगों से. ठीक है, तो यहां पर इग्नोर्स द ह्यूमन वेलफेयर, स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स. यस, यहां पर ये लोग सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं. ये यहां पर पैसा ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा. अगर उनको यही बोल दिया कि सोशल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करो तो वो सोशल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज. अगर यहां पर गलती से मोनोपोलीज हो जाती है तो बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है. तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज इज नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड. क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज हो जाता है तो वो लोग रूल कर सकते हैं. ठीक है, सो यहां पर देखना बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम तो हम लोगों ने देख लिया है. अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पे कहीं ना कहीं पर यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. जी हां, यहां पर देखना बेटा ये जो है यहां पर ये एक ऑर्डर कर रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, और देखो सब लोग उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. जी हां, ये सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू से इज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि ये कमांड इकोनॉमी है. क्या है ये? कमांड इकोनॉमी. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना. सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को यहां पर कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है. जी हां, इनको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी को यहां पर प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है. जी हां, सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट है, यहां पर स्टेट कंट्रोल है, सेंट्रल कंट्रोल है, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही है. जी हां, सो यहां पर वो प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कमांड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, और इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है. जी हां बिल्कुल. ठीक है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. सोशियो इकोनॉमिक मतलब पैसा भी कमाएंगे, वेलफेयर के बारे में भी देखेंगे, तो यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी हद तक ज्यादा रहेंगी, लॉन्ग रन में भी थोड़ा बेटर होगा. तो यस, यहां पर देखना बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा रहेगी. एंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ये लोग यहां पर सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं. बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑफकोर्स यहां पर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम.
income, they believe that the production of the goods and services, the distribution of the income and wealth should be equal. Equal ka matlab ye nahi ki sabko equal paise baant do. समझने की कोशिश करना इस वर्ड को, दे मीन दैट कि एटलीस्ट सब लोगों को बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल होनी चाहिए. मतलब यहाँ पर कोई रिच और कोई बहुत ज़्यादा पुअर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट यस यहाँ पर सबकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए. दे मीन दिस बाय दिस, ठीक है, दिस स्टेटमेंट. लेकिन यार सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, जब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है या स्टेट के कंट्रोल में होता है, सेंट्रल के कंट्रोल में होता है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिले हो जाती है. वहां पर रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो डिसीजन मेकिंग धीरे 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 क्या हो जाती है, लेट होती है. तो प्रीडोमिनेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, यस डिसीजन मेकिंग गोज वेरी 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 लेट होते रहता है, क्योंकि 10 लोग रहेंगे इन्वॉल्व, 10 लोग 10 चीजें अपोज करेंगे, उसको धीरे 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 सैंक्शन मिलते मिलते काफी टाइम लगता है. कंज्यूमर्स को यहां पर फ्रीडम नहीं होता है. इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू दैट इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाया जाता है कि तुम इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम यही प्राइस तुम्हें रखना पड़ेगा. सो कंज्यूमर्स को यहां पर, या फिर इवन द ट्रेडर्स यहां पर, इनको भी यहां पर जो यहां पर सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी यहां पर कैप लगा दिया जाता है. कंज्यूमर्स को यहां पर ज्यादा चॉइस नहीं है, जितना जो प्रोडक्शन हुआ है उसी में से उनको यहां पर कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा. तो कस्टमर भी यहां पर कुछ ज्यादा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास लिमिटेड चॉइस है, प्राइजेस भी उन्होंने डिसाइड किए हैं, तो यार दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल यहां पर इंडिविजुअल को फ्रीडम रोक दिया गया है. जो वो लोग बोलेंगे वही प्रोडक्शन करना है, जितना बोलेंगे उतना ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा. दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, क्योंकि यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है. याद रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है कलेक्टिव ओनरशिप. व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव ओनरशिप? मतलब यहां पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं है जो कैपिटलिस्ट में होती थी, यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप रहती है. सोसाइटी की ओनरशिप है, या फिर यहां पर सब लोगों की एक पर्टिकुलर ओनरशिप रहेगी. सो इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ओवर हियर. Administered prices, जैसे कि मैंने कहा, the prices are going to be controlled. तो यहाँ पर इसको controlled economy भी कहते हैं. Administered prices आपके book में पीछे MCQ दिया गया है, या फिर scanner में MCQ दिया गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी आ सकता है MCQ के लिए, बिल्कुल. Laborers are not rewarded as per the work efficiency, not at all. And therefore, you can see that कि जो भी government की undertakings होती है, government के जो भी companies होती है, वहाँ पर generally क्या होता है? They don't work because अगर वो extra भी काम कर लेते तो उनको कुछ extra मिलने वाला नहीं है. So therefore, यहाँ पर एक चीज समझना, laborers are not rewarded as per the work efficiency. जी हाँ. So guys, तो सर फिर अच्छा क्या है? Capitalist अच्छा है या सोशलिस्ट अच्छा है? बिकॉज वी आर कंफ्यूज कि व्हाट इज गुड. आई वुड से दैट इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री. किसी कंट्री में कैपिटलिस्ट ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो किसी कंट्री में सोशलिस्ट ज्यादा अच्छा हो सकता है. तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम तुम लोग यहां पर अगर फॉलो करते हो, सो देर आर सम मेरिट्स, देर आर सम डीमेरिट्स इन बोथ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, ठीक है? कोई यहां पर इन दोनों का मिक्सचर भी करता है, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जो कि यहां पर कैपिटलिस्ट भी फॉलो करता है, सोशलिस्ट भी फॉलो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स भी रहेंगे, पब्लिक सेक्टर्स भी रहेंगे, या फिर दोनों का एग्जिस्टेंस रह सकता है. सो यस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंट्री एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन हमें कुछ इस तरीके के MCQs आ सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे. जी हाँ, तो यस गाइस, दिस टाइप ऑफ MCQs कैन कम इन एग्जाम. आई होप दैट यू एंजॉयड इट. हम लोग ऐसे और भी बहुत सारे शॉर्ट सेशंस लेकर आएंगे गाइस. आप लोगों को यहाँ पर हम लोग बताएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कैप्सूल्स के माध्यम से. सो यहाँ पर बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे. लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी अनएकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने हैं, तो गाइज यू कैन गो ऑन दी अनएकेडमी के वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पर गोल को सिलेक्ट किया जो कि है CA. आप लोगों ने यहाँ पर CA फाउंडेशन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग CA फाउंडेशन पर क्लिक करते हैं, देखो बेटा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नजर आएगा. सो व्हाट डू वी गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. यहाँ पर है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस. आप लोगों को यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर करना होगा क्लिक.
जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर करते हो क्लिक, यहां पर आप लोग देख सकते हो प्लस एंड आइकॉनिक, आई क्लिक ऑन प्लस, यहां पर मैं कोड अप्लाई करता हूं DAGA, ठीक है, और DAGA10, ठीक है। तो यहां पर मैंने DAGA10 को अप्लाई कर दिया, स्मॉल लेटर्स में करोगे कैपिटल लेटर्स में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, DAGA10 यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया। और यहां पर देखना प्राइजेस सारे के सारे रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, उसकी प्राइजेस आपके सामने 52,200, 31,500 एंड 22,500। DAGA10 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और आप लोग पा सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट। लाइट में क्या होता है, लाइट में यहाँ पर बेटा ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज के लिए होता है। कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर हम लोग हमारी पढ़ाई खुद कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना है, तो अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो आप लोग ले सकते हो लाइट वाला सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो बेटा लाइट के सब्सक्रिप्शन की फीस तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल है ये, सो यू कैन गो फॉर इट एज वेल। माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरा यहाँ पर सीए फाउंडेशन भी हो रहा है बेटा और मेरा यहाँ पर इंटरमीडिएट भी हो रहा है, और आप लोग देख सकते हो DAGA10 इस कोड को अप्लाई करने के बाद ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ है 28,800, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। चेंज ड्यूरेशन करना है, 12 मंथ्स का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल 12 मंथ्स का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली 22,500, विच इज अगेन वेरी वेरी रीजनेबल। यहाँ पर आप लोग आइकॉनिक में भी आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बिल्कुल आइकॉनिक में भी आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गाइज। इट इज कॉस्टिंग यू 59,400, DAGA10 इज द कोड, यू कैन डिसाइड नाउ व्हाट यू वांट एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। मिशन सक्सेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मिशन सक्सेस बैच इज बीन फॉलोड बाय द RTP MTP बैचेस एंड टेस्ट सीरीज बैच, तो डेफिनेटली इट इज वर्थ इट, डेफिनेटली इट इज वर्थ इट, and think about it and just get started with your plus classes guys very very fast. Thank you so much, bye bye, take care, and milte hain bacha party hum log hamare next session mein. Thank you guys, thank you so much.